रमज़ान के वो जो 29 से 30 दिन होते हैं, मैं उन दिनों वर्कआउट नहीं करता। रमज़ान में जो रोज़ा रखा जाता है उसके कोई कॉन्स नहीं होते हैं, उसके सिर्फ प्रोज हैं। जो अच्छा सलूक करना लोगों के साथ, फॉरगिव करना, कंपैशनेट बनना, चैरिटी करना और झूठ नहीं बोलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम रोज़ा रख लो तो फिर लंच टाइम चोरी चोरी कुछ खा लेना और शाम को 4 बजे भी थोड़ा सा कुछ खा लेना और फिर इफ्तार कर लेना। कोई भी फिजिकल एक एक्टिविटी इंसान को करनी चाहिए दिन में एक बार। थैंक यू। रमज़ान के टाइम में एक बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ होती है, ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को, अपने आप ही बॉडी मेंटेन हो जाती है, अंदर से हील हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। और रमज़ान के वो जो 29 से 30 दिन होते हैं, मैं उन दिनों वर्कआउट नहीं करता। नहीं, हाइड्रेट नहीं कर सकते, पानी भी नहीं पी सकते ना। हाँ, तो वो इस महीने में एक बड़ी माइंड ब्लोइंग सी एक रहमत होती है कि बढ़िया रहती है बॉडी, बहुत बढ़िया होता है। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो पिछले कई सालों से बहुत न्यूज़ में है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये तो रमज़ान पिछले 1400 सालों से हो रहा है। तो ये सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता है लेकिन बहुत सारी बाकी चीज़ें होती हैं जो माइंड और दिल के लिए मुफीद होती हैं। फास्टिंग का मुझे पता नहीं प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, लेकिन जो रमज़ान में जो रोज़ा रखा जाता है उसके कोई कॉन्स नहीं होते हैं, उसके सिर्फ प्रोज हैं। और फास्टिंग रमज़ान का एक हिस्सा है, रमज़ान का रोज़े का डायरेक्ट ट्रांसलेशन फास्टिंग नहीं होता। फास्टिंग होता है खाना नहीं खाना, और रोज़ा सिर्फ खाना नहीं खाना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में नहीं करनी होती हैं। और फिर कोशिश करनी होती है कि अपनी लाइफ वैसी ही रहे रमज़ान के बाद भी, बट खाने के साथ। तो खाना एक हिस्सा, खाना नहीं खाना एक हिस्सा है रोज़े का, खाना फास्टिंग नहीं होता वो सिर्फ। मतलब अच्छों से अच्छा सलूक करना लोगों के साथ, फॉरगिव करना, कंपैशनेट बनना, चैरिटी करना और झूठ नहीं बोलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऊपर वाले को कॉन्स्टेंटली याद करना, अपने हर डिसीजन में ऊपर वाले को इंक्लूड करना। बचपन की तो हमारी यही यादें होती थी क्योंकि छोटे होते हुए हम रोज़ा नहीं रख पाता ना बच्चा, तो और हमको बड़ी ईगरनेस होती थी रोज़ा रखने की, तो हमको बोला जाता था कि तुम रोज़ा रख लो तो फिर लंच टाइम चोरी चोरी कुछ खा लेना और शाम को 4 बजे भी थोड़ा सा कुछ खा लेना और फिर इफ्तार कर लेना। तो हम कहते थे हमने रोज़ा रखा है लेकिन मम्मी हमको कुछ थोड़ा थोड़ा खिला लेती थी। जी, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मैंने भी ये ट्राई किया था अपनी डॉटर के साथ, खैर अभी पिछले साल ही, लेकिन वो तो माशाल्लाह 11 साल की है, लेकिन वो तो अभी तो मतलब उसको चीज़ आउट होती, मतलब उसको ऐसे नहीं बना सकते, उसको पता चल जाता है। हाँ, लेकिन जब वो छोटी थी तो तब हम उसको बोलते थे कि आपको रोज़ा रखना है, उसका बड़ा मन करता रोज़ा रखना, तो हम उसको कहते थे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक आप रोज़ा रखो। कोई भी फिज़िकल एक एक्टिविटी इंसान को करनी चाहिए दिन में एक बार, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे जिम हो या कुछ भी हो, वो घंटे में एक दिन का एक घंटा ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो हफ्ते में 4 बार तो डेफिनेटली होना चाहिए। और खाना बेसिकली अपने आप को खाने से महरूम नहीं करना चाहिए, सब खाना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए तमीज़ से। बस अगर तमीज़ से आदमी खाए, थोड़ा थोड़ा सब खाए, तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है आदमी। तो
फिर तो मैं अभी एक्चुअली मेरे अनफॉर्चुनेटली मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, तो उसकी वजह से मैं 3-4 महीने तो वर्कआउट कर ही नहीं पाया, और फिर रमज़ान शुरू हो गया, तो मैं अब धीरे धीरे करके दोबारा वर्कआउट शुरू करूँगा। ईद आ रही है, तो ईद का यही मैसेज है सब लोगों का कि हम सब एक हैं और हमारा रास्ता सबका एक है, बस हमारे तरीके अलग अलग हैं सबके, ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम एक हैं, हमारा रास्ता एक है और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन भी एक है, तो ये बात समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा।